साहब इस जगह पे बैठ के इतने खूबसूरत चिप्स बहुत पुणे हुए हैं बहुत सारे हुए हैं, पुणे हुए नहीं है सारे हुए हैं। देखें यार चिखाड़ा आ गया गाइस, और चिखाड़ा आने के बाद सारा कुछ उड़ रहा है यहाँ पर। चिखाड़ा आ गया और चिखाड़ा आने के बाद सब कुछ उड़ रहा है गाइस। ये देखें बंद ही आ गई है तेज। तो गाइस अभी जो हमारा खाना आ चुका है यार, शोर बहुत है जनरेटर का। एक ही बोटी है जी, चिकन का एक ही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज हमारे साथ हैं जुनेद, बिलाल, दानियाल और एज यूजुअल कामरान। ठीक है जी, मीरपुर हम लोग आए हुए थे, कल हमने जाना पिशावर और बैठे बैठे जनाब अंदर बोर हो रहे थे। मैंने जुनेद से पूछा यार कहीं घूमने चलते हैं। जुनेद ने एक जगह का बताया, नाम कहड़ा जी, मंगला रिजॉर्ट। अच्छा मंगला रिजॉर्ट जनाब की नई जगह यहाँ पे खुली है, जो घूमने शूमने की सैर है वो तफरी के लिए। अभी जा रहे हैं वहाँ पे, सीधे चलेंगे वहाँ और आपको भी साथ सैर करवाएंगे और खुद भी देखेंगे वहाँ पे क्या कुछ नज़ारे हैं। किश्तियाँ इसके आने पर वहाँ पे बोटिंग है, और आई थिंक वो जो बोट के नीचे जो ऊपर लगता है वो गुब्बारा सब चीज़, पैरा ग्लाइडिंग स्लाइडिंग वो भी सारा कुछ होगा। अब वो करेंगे नहीं, सिर्फ बोट हो सकता है बोट में हम बैठे और शायद उनको लीबिया की टंकी लगवाएंगे, है ना। अल्लाह माफ़ करे यार, अल्लाह माफ़ करे। सो सीधा चलते हैं यार उधर हम मंगला रिजॉर्ट पे, और वहाँ पे चल के खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट भी करें और लाइक करके बताएंगे आपको कैसा लगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर मंगला के। पिटना पठान बैठे गिम्बल सवेरा उ खट्टे टिकी रही है सानी मुड़ी फूल मारा है। सो जनाब बिल्ला साहब सो कि स्पेन आके कैसा लगा? सही सच सच बना, स्पेन आके कैसा लगा? बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। आपको पहले स्पेन है ना, मीत है सही तक है ना। वाह यार। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच आए हैं ये मंगला वाटर रिजॉर्ट, बहुत खूबसूरत जगह है यार, यकीन माने बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप टाइम निकाल के आए तो बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हैं जो हम अभी शायद कर पाएंगे, एक या दो एक्टिविटीज़, शायद बोट, हम बोट में जा सकें अगर टाइम हुआ। वैसे खूबसूरत जगह है, खूबसूरत, ऐसा नहीं लगता कि आप मतलब पाकिस्तान या कश्मीर के किसी एरिया में घूम रहे हैं। इतना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है, ये सारा फैमिलीज़ वगैरह आती हैं यहाँ पर। आप लोग भी आएँ अगर आप लोग देख रहे हैं मुझे, मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ इस जगह पर, और मुझे यहाँ पे आके अंदाज़ा हुआ है कि पहले मतलब सड़क वगैरह देख के मुझे और घर वगैरह देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं स्पेन के किसी शहर में घूम रहा हूँ। और फिर मैंने अब मतलब थोड़ी हंसी मजाक के लिए बातें भी की हैं कि यार स्पेन आए हुए हैं, बुनियादी तौर पे हम स्पेन नहीं आए हुए, मंगला वाटर रिजॉर्ट आए हुए और वट एवर जो भी है रिजॉर्ट रिजॉर्ट। और ये देखें सिर्फ आप यार, मुझे हादसा निकलता है, ये देखें ये जो चलने के लिए फुटपाथ बनाया हुआ है, सिर्फ ये देखें आप, बाकी छोड़ें, देख के समझें यहाँ। सो ये सीन है भाई, यहाँ पे रुक के मैं थोड़ा सा सीन लेता हूँ आपके लिए। तो यार किधर जा रहा है? अच्छा बोट इन्हें को क्या नजर आनी, उ बंदा को नजर आना मजे वाला सीन है। लेकिन यार बदकिस्मती ये है कि वो जो बोटिंग वोटिंग थी ना वो बंद हो चुकी है, अभी हम थोड़े से लेटे, मेरे 2 घंटे लेटे हम, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ थोड़ा घूमे फिरेंगे और पानी में शायद मुंह वगैरह धोने की कोशिश करेंगे,
तो उसके बाद फिर हम चलेंगे वापस, ठीक है जी। थोड़े से ऊपर चल के मैं सीन लूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने मिस की हैं। मैं चाह रहा था पहले बोटिंग हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ ऊपर वाले सीन दिखाऊं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ थोड़े से लेट हैं और अभी सिर्फ हम जो है वो घूम फिर रहे हैं यहाँ पे, नज़ारे इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। खूबसूरत जगह है। तको इधर जनेद साहब, कब के बिछड़े तको मिले आके, जनानी ने बूट ते जने ने बूट है तको उन्हें अल्लाह ताला है रखे यार। भाई जी क्या मसला, सुन खैर क्या परेशानी हमारे प्रभु की है, है? क्या कुछ आपको टीका तो नहीं लाया सोचा है, है? क्या चोकर मारी बैठे हो है, तो चलो ना। चलने के बाद हमें लगी है भूख, बड़ा ज़बरदस्त ये बाइक का इधर स्टॉल है छोटा सा, इनके पास सिर्फ चिप्स बचे और चिप्स हमने इनसे ले लिए हैं। 100 का ठेका मारा है भाई के साथ। ये इनका फूड कार्ट है जी इधर, ज़बरदस्त किस्म का। जिनेद साहब अगर जनाब बोटिंग हो जाती फिर मज़ा आना सी, बोटिंग हो जाती तो बहुत मज़ा आता, लेकिन हम काफ़ी लेट चले। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्दी। अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, टक शॉप भी इधर है, टक शॉप यहाँ से आप पानी ड्रिंक्स वगैरह भी ले सकते हैं सारा कुछ, ठीक है जी। बाकी घूमने फिरने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह यार, और शवारमा बर्गर फ्राइज़, अभी सिर्फ भाई के पास फ्राइज़ बची थी वो हमने 100 की ले ली है, वहाँ पर बैठ के खाना है और उसके बाद फिर यहाँ से हमने रफू चक्कर हो जाना है मीरपुर के लिए। दानी क्या पानी आने तक सब इस जगह पर बैठ के इतने खूबसूरत चिप्स, बहुत पुण्य हुए हैं बहुत सारे हुए हैं, पुण्य हुए नहीं है सारे हुए हैं, देखें यार तो सभी। और ये टकला चलो थोड़े से पर्दा बढ़ देते हैं ना, क्या कह भट साहब कमरा रखना जी, उसने बाल तो सुनो ठीक है यार, कितना खूबसूरत है वैसे है ना, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत है मेरा माशाल्लाह, मोटा मोटा यार बहुत कमाल की जगह है ये। अभी जो यहाँ पे मॉल बना है ना जनेद साहब, ऐस मॉल पैसे पूरे करते जनाब, जबरदस्त किस्म का मॉल बना है, लाइटें शाइटें बयान हुई है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी जबरदस्त किस्म की, और लाइटिंग भी इन्होंने ऑन की है, खूबसूरत ठंडी हवा और बिजली कभी आती है और कभी जाती है, ये तो पाकिस्तान का जो है टिपिकल स्टाइल है। आह कमाल यार, रिक सारी मुंह में आ गई यार, दांत कुर कुर कर रहे खड़ी कच्चा चढ़ी है जी, वाह सारे मजे सत्य नाश। यहाँ पे बाबू टिक्का हाउस, बाबू जी टिक्का हाउस शॉप इधर आ चुके हैं, यहाँ जाके टिकट्स के ऑर्डर करते हैं। बारिश जबरदस्त हो चुकी है, मौसम खूबसूरत हो अच्छा ना, क्या है इसका कितना रिव्यू है इसका, तुझे नजर इस दसा जो कितने नंबर दे सो बाबू टिक्का हाउस, दसा जो सा इसके 9 नंबर दे सो, 7.5 3 नंबर फाइनल कर सो, चलो चलो चलें गाइस अभी खाना खाते हैं बाबू टिक्का हाउस पे, फिर उसके बाद जो आपसे गपशप लगाते हैं। तो गाइस अभी जो हमारा खाना आ चुका है यार, शोर बहुत है जनरेटर का, एक ही बोटी है जी, चिकन तो है करी है, बीफ तो है, बीफ है, ये चिकन टिक्का है, ये तो ये सेम है। सुबह ये देख लें खाना हमारा देसी सा खाना है, अभी इसको टेस्ट करके भी बताएंगे आपको इंशाल्लाह कैसा लगेगा। छिपो जी रोटियाँ, पेप्सी कौन ही नाल, पेप्सी।